हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मेरा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज की थी 13.1 और आज भी हम एक्सरसाइज 13.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है मेरी यहाँ पर 13.1 पेज नंबर 224 और करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा आप सबकी, देखो ध्यान से कि जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखना। फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बुक से रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ रीड करते जाएँ, आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर इज 1.4 अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, एक आपका क्या है सॉलिड सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर क्या उसने लिया है, एक सॉलिड सिलेंडर ऐसे, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर में से उसने क्या किया है कि एक कॉनिकल कैविटी निकाली है, क्या किया है कॉनिकल कैविटी निकाली है उसने ऐसे ये कॉनिकल कैविटी उसने इसमें से निकाली। आपको जो क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो आप इसमें से जब कॉनिकल कैविटी निकाल रहे हैं तो ये पूरा हो सिलेंडर था, अब ये कॉनिकल वाला ये पार्ट क्या होगा, निकल के बाहर चला गया या आपने इसको बाहर निकाल दिया। तो आपको इसमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया कहाँ होगा, ये वाला, ये, और कहाँ होगा, ये वाला, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, इतना तो मेरी समझ में आ गया कि एक सरफेस एरिया ही होगा और ऊपर से इसके बेस का भी सरफेस एरिया होगा, क्योंकि आपने इसके एक पार्ट में से निकाला है, दूसरे पार्ट में से नहीं निकाला, एक ये हो गया और साथ ही साथ इसका भी, सुनो बेटा इसका जो एरिया है बेस का वो कितना है पाई आर स्क्वायर, और इसका जो एरिया है वो सबको पता है, इसको बोलते हैं सी एस ए। सी एस ए कितना होगा 2πRh, और इसके लिए मैंने एक ओनली फार्मूला बेस्ड क्लास ली थी, वो भी आप ध्यान रखना। और साथ ही साथ अब यहाँ पर देखेंगे ये अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट क्या होगा, अंदर वाला पार्ट होगा जो मेरा क्या है, ये सी एस ए किसका है, कोन का। तो कोन का सी एस ए क्या होता है पाई आर एल, यही होता है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया बन के आ रहा है, क्या बन के आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया कितना बन के आया 2πRh प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है इसमें से, मैंने आपको सबको बताया कॉमन लेना है, कॉमन लिया तो आपका कितना आया पाई और साथ में आर कॉमन आया, या क्या कॉमन आया पाई आर। तो यहाँ से मेरा रह गया 2H और यहाँ से मेरा क्या रह गया L, और यहाँ से साथ ही साथ कितना रह जाएगा मेरा, देखो ज़रा क्या रह जाएगा यहाँ से आगे, तो यहाँ से आगे जो मेरा आएगा वो आएगा आपका ओनली R, ठीक है। अब इसकी मैं वैल्यूज़ बताता हूँ किसको क्या दे रहा है, ठीक है। तो इसमें उसने ये बोला है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है 2.4, हाइट कितनी है बेटा इसकी 2.4, और साथ ही साथ इसका क्या दे रहा है डायमीटर, डायमीटर कितना दे रहा है 1.4, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सारे बच्चों को इसी पर ध्यान देना है, एनसीईआरटी पे इसका हर एक क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है आपको प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी की पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि 90% और अप्रॉक्सीमेट 100% पेपर ही मान के चलो पूरा का पूरा एनसीईआरटी में से आता है विद डिजिट के साथ। तो अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, पढ़ने का भी एक मेथड होता है। हम कैसे पढ़ेंगे कि आपको पहले एनसीईआरटी की पूरी प्रैक्टिस करनी है, सैम्पल पेपर बाद में देखना, क्या करना है एनसीईआरटी की पूरी प्रैक्टिस करनी है। और जब आप पूरी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो तो उसमें कोई भी क्वेश्चंस आपका छूटना नहीं चाहिए। मैं आपको जनरली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस होते हैं, जब बच्चा कोई एक्सरसाइज पूरी ट्राई करता है सॉल्यूशन देख के एग्जांपल समझ में आ जाते हैं, फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर देना, फिर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए आपको ये चीज़ें मिल गई, अब आप ही मुझे बताइए कि क्या होगा, डायमीटर कितना है 1.4,
तो रेडियस कितनी हो जाएगी। सबसे पहले अब हम इधर देखना शुरू करेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो मेरे पास रेडियस, रेडियस का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, क्या होता है हाफ ऑफ डायमीटर। तो ये यहाँ पे 1.4 का कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। अब आपको पास हाइट भी है, हाइट कितनी है मेरी इसकी, 2.4। कितनी हाइट, 2.4। अब आप सारे बच्चे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, रेडियस मिल गई, हाइट मिल गई, यहाँ से हम आगे की बात करते हैं। अब आगे देखिए, आपको चाहिए एल, क्योंकि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू है मेरे पास, आर की वैल्यू। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने के बाद ये देखना है किसकी वैल्यू नहीं है, एच की भी आर की, एल की नहीं है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू, मैंने आप सबको फॉर्मूला लिखाया था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और मैंने एक ट्रिपलेट भी आपको याद कराया था, 7, 24 और 25, और ये सेम बन रहा है 7, 24 और 25। सॉल्व करके आपको जरूर दिखाना है, ऐसा नहीं आपको याद है सॉल्विंग करोगे, आपको सॉल्व करके जरूर दिखाना है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, इसलिए आपकी मिस्टेक हो तो आपको पता चल जाएगा मिस्टेक कहाँ हो रही है। ये कितना हो गया, 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। सबको पता है कि 2.4 का स्क्वायर कितना होता है, 5.76, क्योंकि 24 का होता है 576, इसमें 1 पॉइंट आ रहा है तो 2 पॉइंट हो गए, और यहाँ पे भी 1 पॉइंट है तो 2 हो जाएंगे स्क्वायर में। इसका कितना होता है 49, तो 0.49। एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 6.25। तो एल की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2.5, क्योंकि सबको इसका रूट पता है। अब यहाँ से आगे इन वैल्यूज़ को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 इन टू, देखिए अब इसको, आर की वैल्यू कितनी है, 0.7। अब यहाँ से 2h, 2 इंटू एच, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2.4। एल की वैल्यू कितनी है मेरी, एल की वैल्यू है मेरी 2.5, और आर की वैल्यू मेरी कितनी है, देखें ध्यान से, यहाँ से आर ये रहा, आर की वैल्यू यहाँ से रखी जाएगी, तो 0.7। देखो मैंने कोई भी कैलकुलेशन ऐसी नहीं है कि जो अलग से कैलकुलेशन की हो और पुट कर दिए, मैं कोई भी कैलकुलेशन करूँगा आपके सामने वीडियो मैं ही करूँगा। तो कोई बच्चा ये ना कहे कि मैं करा रहा हूँ, मुझे कैलकुलेशन अलग से करके नहीं रखी है, तो ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के इजी से इजी मेथड होता है प्रैक्टिस, आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप कैलकुलेशन उतने ही जल्दी और उतनी ही एक्यूरेट कर पाएंगे। देखिए 7 से ये कटा 0.1 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 2.2 मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब 4.4, ये कितना हो जाएगा इससे, 4.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो 4.8 हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2.284। इसका मल्टीप्लाई से किया 55 और 2.5 80, और 0.1 लग जाएगा तो कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया, सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा मेरा 8, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 8 to 16 का 6 1 कैरी है, 8 to 16 और 176.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आगे हम आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसको सारे बच्चे, मैं एक बार दोबारा से आपको रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन में जो मुझे उसने दिया था, क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ ओनली इतनी सी बात गिविन थी आपको कि ये इसका क्या है, एक सिलेंडर जिसमें से कैविटी बनाई है, उसने कैविटी किसे बनाई, कॉनिकल फॉर्म से। अब कॉनिकल फॉर्म में क्या था मेरा, इसका सी एस ए आपको यहाँ का पता है, ये पता है, ये तीन चाहिए, ये वाला क्यों नहीं चाहिए, ये क्योंकि उसने कैविटी के साथ इसको तो निकाल दिया, उसमें से स्केप आउट कर दिया, तो यहाँ पे आपका ये आ गया 2πRH, πRL, πR स्क्वायर, ये तीनों एरिया आपने प्लस किए, ये आ गया, एल की वैल्यू निकाली, इसमें रख दी और सॉल्व आ गया। देखो मैं बहुत ही धीमे आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इसी को देख के अगर बार बार देखो ना, एक दो बार देख लो आ जाएगा, और फिर इसी को कॉपी पे अपने आप करो बिना देखे, कितना भी वीक से वीक बच्चा हो, ये मेरा उससे प्रॉमिस, अगर उसको बार बार देख के करेगा तो आप पे आना लग जाएगा। और वैसे भी कोई स्टूडेंट वीक नहीं होता, लैक ऑफ प्रैक्टिस की कमी है वहाँ पे, कि वो उसने पढ़ाई को कम टाइम दिया है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सारे बच्चे रीड करें क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसमें भी एक सॉलिड सिलेंडर दे रहा है, क्या दे रहा है, सॉलिड सिलेंडर, और डायग्राम भी गिवन है, और ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसने बोला है डायग्राम तो आपको गिवन ही है ऑलरेडी, तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन रीड कराएंगे।
सुनिए बेटा, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कोप, ये क्या है, स्कोपिंग आउट अ हेमी स्पियर फ्रॉम ईच एंड। तो उसने ये बोला है कि ये हेमी स्पियर है दोनों एंड से निकाल लिए गए हैं भाई, क्या कर दिया उसने इस तरीके से स्केपिंग आउट किया है। और उसके बाद उसने आए क्या बोला है, ठीक है जो फिगर में आपको गिवन है, इन द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट सबसे पहले दी है उसने, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे क्या दे रहा है, एंड इट्स बेस रेडियस, बेस रेडियस कितनी होगी, ये इस वाले की बात कर रहा है यहाँ पे वो 3.5, कितनी दे रहा है सॉरी डायमीटर हो गया है, तो वो रेडियस दे रहा है आपको, रेडियस का मतलब तो इतना पार्ट हो गया 3.5 सेंटीमीटर। मुझे यही दो चीज़ चाहिए और दोनों के दोनों मुझे मिल गई हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आपको इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में तो ये आएगा ये, यहाँ से ये आपका। अब सुनो ये दोनों और साथ में मुझे क्या चाहिए ये वाला। अब ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, मैंने सबको लिखा है जिस चीज़ पर मैं ब्लैक मार्कर से डॉट लगा रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, ये हो गया सिलेंडर का क्या हो गया, ये सी एस ए, क्या हो गया सी एस ए। तो सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का, सारे बच्चे बताएं जरा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है हमारा यहाँ पर 2πRH, क्या होता है 2πRH, और यहाँ से 2πR², ये किसका हो गया एक का, एक का कितना हो गया 2πR², इस वाले हेमी स्पेयर का सी एस ए, ये भी क्या है सी एस ए ऑफ हेमी स्पेयर, सबको पता है। अब यहां से आ गए, देखें सारे बच्चे, सी एस ए मिल गया, ये मिल गया, इसका हो गया सेम किसका होगा इसका दोनों का, तो आपको टी एस ए लिखना है, क्या लिखना है टोटल सरफेस एरिया, क्या लिखना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस, अब देखो ये कितने हैं यहाँ पर, 2 1 होता तो 1 का मल्टीप्लाई 2 होता, 2 का 3 होता, थ्राइस कर देते, तो ट्वाइस कर दिया इसका 2πR², तो यहाँ से आया 2πRH प्लस 4πR². आप इसमें से जो कॉमन ले सकते हैं, देखिए कॉमन क्या आएगा इसमें से 2πR और यहाँ से कितना है 4πR², तो यहाँ से 2πR इसमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ से h बचा है और यहाँ से बचा मेरा 2R। अब देखिए यहाँ पर रेडियस कितनी दे रहा है 3.5। ऑल स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इस बात पे, जो इसकी रेडियस कितनी दे रहा है 3.5। आपको कहीं भी मेंसुरेशन में अगर रेडियस 3.5 मिलती है तो ऑल स्टूडेंट चेंज द रेडियस 3.5 इन 7/2, बिकॉज ऑफ 7/2 में 7 और 22/7 में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो दोनों सेम एक न्यूमरेटर में आ जाता है, एक डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट हो जाता है। अगर आप 3.5 रखोगे तो इसमें हमें 0.5 कट जाएगा, 0.5 का मल्टीप्लाई 1/2 के कंपेरिजन में कैसा होता है ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो ये बात सारे बच्चे जरूर याद रखेंगे कि रेडियस अगर कहीं भी कितनी आ रही होगी 3.5, तो हम उसको कितना लिख रहे हैं 7/2। यहाँ से मेरा क्या निकल के आता है रेडियस आ जाता है। अब रेडियस तो मुझे मिल गया और मुझे क्या चाहिए हाइट, देखो रेडियस और हाइट, हाइट कितना है मेरा एच इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, पुट करो इसमें 2 × π की वैल्यू 22/7 × 7/2। वी कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ रेडियस 3.5 इन 7/2 बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 7/2 और हियर 7/2, तो 7 एंड 7 दिस कैंसिल आउट। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एच, तो एच की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और साथ ही साथ प्लस 2R, क्या 2R, तो R अभी हमने कितना निकाला था 2 3.5 या 7/2, पुट कर दीजिए यहाँ से, जैसे ये मैंने पुट किया, मैंने इतना पुट कर दिया। अब देखिए हाँ सारे बच्चे ध्यान से कि 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7, 2 से 2, तो यहाँ से कितना रह जाएगा 22, कितना रह गया 22, बाकी सारे तो कैंसिल हो गए, यहाँ से ही कैंसिल हो गए, कितना रह गया 10 और 7, क्यों 2 से 2 हो गया तो 7 रह गया ओनली, तो 17 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो 17 2 से 34, 4 3 कैरी, 17 2 से 34 और 4
भाई 17 का इसमें मल्टीप्लाई किया कितना आया 34, 7 का इसमें 34, तो 3 कैरी कितना हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसमें आपको कहीं भी एक्स्ट्रा रफ वर्क की ज़रूरत पड़ी? नहीं ना। तो देखो, कोई भी आपसे कुछ भी कहे, आप मेरे वीडियोस को देखिए, इसमें आपको जो कैलकुलेशंस के मेथड है बहुत अच्छे बनाए हो। कोई भी क्वेश्चन आपको टिपिकल नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन आसान लगे हैं। मैंने आपसे बोला था कि आप कैलकुलेशन जब ही लिखना शुरू करते हैं जब इसमें आंसर्स निकलने की बात आती है। तो अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे एक बार अगेन। देखो क्या है इसमें, एक मेरा सिलेंडर था, उसमें से उसने किसको एस्केप आउट किया था, हेमीस्फीयर को, वन हेमीस्फीयर नीचे और एक ये रहा, दोनों दोनों उसने निकाल लिया आपसे का। तो देखो आपके दिमाग में ये क्लियर चली जाती है कि जब ये वाली शेप है, थोड़ी देर का मान लो पेंट कर रहे हैं आपको, उससे समझ में आता है। तो इस वाली शेप का आपको ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला भी चाहिए। अब जैसे इसने एस्केप आउट किया, भाई सिलेंडर कुछ भी हो, यहाँ पे था सिलेंडर, आप उसने इसको तो निकाल ही दिया, ये किया तो ये पूरा बाहर हो गया, तो इसका ये वाला पार्ट बन जाता है कि नहीं, इसलिए हम इस पार्ट को ले रहे हैं। सेम जैसे ही ऊपर का है वैसे ही कहाँ का है, नीचे का, नीचे से भी आपको इसमें ही तो जाना है। ऐसा थोड़ी ना यहाँ पर कुछ आप यहाँ तक नहीं जा सकते, आपको ये बन गया सरफेस, यहाँ तो सरफेस हट चुका है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस पर। तो मैंने क्या लिखा था, इसका सी एस ए, ये किसका सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2πr², सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh, ऐसे मान लो या ऐसे रख लो कि जो बाहर वाला ये सरफेस है इस तरीके से, इसको कप सरफेस एरिया बोलते हैं, और इसका क्या है 2πrh, और ऐसे नीचे वाले का क्या है इसका 2πr², अगर नाम भी आप ना कर पाए। आप यहाँ पर टी एस ए टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 2πrh, ये 2πr² कितने टाइम्स यूज हो रहा है 2, तो मैंने उसमें 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, देख लो ये 4πr² हो गया, और यहाँ से 2πr² क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2πr² कॉमन लिया तो यहाँ से क्या रह जाएगा h, और यहाँ से 4 में से 2 और r² में से 2 r बचा, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 22/7, और इसकी वैल्यू 7/2, और ये हो गया 10 प्लस 2 से 2 और 7। देखो मैं एग्जाम तक कुछ इंपोर्टेंट सी चैप्टर्स के रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि मैं सारे स्टूडेंटों को पर्सनल टाइम नहीं दे सकता जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आप सभी तक जो मेरी वीडियोस पहुंच रही हैं, फिर इसके अलावा आप किसी को भी दिक्कत आती है तो मेरा ज़्यादातर बच्चों के पास कोई भी कॉन्टैक्ट है, उसके जरिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर एक आध टॉपिक पर एक आध दिन पर्सनली क्लास के लिए बुला सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से 2, 22/7, 7/2, 10, 27 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, तो यहाँ से कितना बचा मेरा 2, और यहाँ से 10 70 मल्टीप्लाई कर दिया 17 से 30, तो इसमें कहीं एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करके आने हैं, और इसके अलावा आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज अभी मेरी कंप्लीट हुई है, एक्सरसाइज 13.1। अब जिस चैप्टर में हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 एंड एक्सरसाइज 13.3, दो एक्सरसाइज बची हुई हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज 13.4 सिलेबस में है नहीं आपके। अब ये हमने अभी तक पढ़े सारे क्वेश्चन सरफेस एरिया के, अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के, हो सकता है इसमें वॉल्यूम के साथ कुछ सरफेस एरिया भी आपका आ जाए। फिर एक्सरसाइज 13.1, ये सारे रेट ऑफ वाटर वाले क्वेश्चन हैं, तो मैं इस वाली एक्सरसाइज को ही, आज मेरी एक वीडियो आई है, एक वीडियो शाम तक और आएगी, उसके अलावा कल तक ये, कल मॉर्निंग में ये ख़त्म हो जाएगी और कल ये शुरू हो जाएगी, परसों दिन तक मैं इस वाले एक्सरसाइज को ख़त्म करा दूंगा आपको। फिर इसके बाद हम जो चैप्टर में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आएगी जो मुझे मैसेज करके भेजेंगे, फिर मैं उस पर अपनी वीडियोस अपलोड करूँगा।